मध्य प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। प्रदेश का गठन हुआ तो भोपाल को राजधानी का दर्जा मिला। आज भोपाल और हमारा मध्य प्रदेश विकसित है, देश में अपना अलग मुकाम है। आज तस्वीर बिल्कुल अलग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस नए नवेले प्रदेश को आकार लेते हुए देखा और वो यादें आज भी उनके जहन में वैसी ही ताजा है जैसे कल की बात हो। 1 नवंबर 1956, ये वो तारीख है जब मध्य प्रदेश का जन्म हुआ और आज 66 साल के लंबे वक्त के बाद प्रदेश अपना 67वां जन्मदिन मना रहा है। इन बीते सालों ने प्रदेश ने वो मुकाम हासिल किया जो कई राज्य कल्पना भी नहीं कर सके। विकास, उन्नति, समृद्धि और हर क्षेत्र में कीर्तिमान रचे। लेकिन जब इसका गठन हो रहा था उस वक्त हालात थोड़े जुदा थे। भोपाल जिसे मध्य प्रदेश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन ये गौरव हासिल करना आसान नहीं था। ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर को पीछे छोड़कर भोपाल का चयन किया गया और इसके पीछे भोपाल स्टेट के तत्कालीन सीएम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का प्रयास था। वे चाहते थे कि भोपाल राजधानी के रूप में दिखे। शंकर दयाल साहब बहुत लिटरेट आदमी थे, अमेरिका और इंग्लैंड हर जगह से उन्होंने एक एक डिग्रियां ले रखी थी। पंडित नेहरू उनसे के प्रति बड़े संवेदनशील थे और उनकी बात को ध्यान से सुनते थे। मौलाना आज़ाद का भोपाल से एक अच्छा रिश्ता रहा है, वो भी इस बात को लेकर आगे थे। तो जब ये दो भारत के सबसे बड़े राजनीतिक और निर्णय करने वाली शक्तियां थीं, ये भोपाल के साथ चल रही थी। तत्कालीन नायब तहसीलदार देवी शरण बताते हैं कि राजधानी बनते ही जितनी तेजी से काम हुए वो काबिले तारीफ थे। सरकारी घरों और दफ्तरों के लिए बिल्डिंगें बनने लगी, मंत्रियों के लिए 74 बंगले, 1100 क्वार्टर और शिवाजी नगर जैसे इलाके विकसित हुए। मिंटो हॉल में चल रहे कॉलेज को दूसरी जगह शिफ्ट कर विधानसभा बना दी गई, जो आज के समय में कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कार्यालय है। वो पहले सचिवालय हुआ करते थे जहां पर सीएम और प्रमुख सचिव बैठते थे। मंत्रालय दरअसल ये जहां आजकल कलेक्टर बैठते हैं, ये था भोपाल की सीट। यहीं बैठता था मुख्यमंत्री भी और वहीं बैठते थे चीफ सेक्रेटरी भी। यहाँ कलेक्ट्रेट है, वहाँ बैठते थे। वो बाद में कलेक्ट्रेट बन गई और रह गई, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से काम हुआ। यहाँ पर वल्लभ भवन नहीं था, तब वल्लभ भवन नहीं बना था। ये सब बात की एकदम बड़ी यानी तेज़ी से सरकार ने बहुत तेज़ी से अमल किया कि लोग रह जाएं और काम शुरू हो जाए। वक्त बीतता गया और मध्य प्रदेश भी अपने रूप बदलता रहा। समय के साथ प्रदेश और निखरता चला गया। आज साल 2022 में मध्य प्रदेश के खाते में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो देश में किसी राज्य के नाम नहीं है। कई बार कृषि कर्मण अवार्ड लेना, टाइगर स्टेट का दर्जा हो या फिर 70 साल बाद चीतों की वापसी कराने का कीर्तिमान भी मध्य प्रदेश ने ही रचा है। तेंदुओं की संख्या के लिहाज से भी मध्य प्रदेश अव्वल है। चाहे अधोसंरचना विकास की बात हो या जनता के कल्याण की बात हो, खेत तक पानी पहुंचाने की बात हो या रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो, महिला को सम्मान देने की बात हो या महिला को उचित अवसर देने की बात हो, हर स्तर पर हमारी सरकार ने बहुत काम किया। और केवल विकास और कल्याण ही नहीं, सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए भी हमने बहुत काम किया। चाहे महाकाल बाबा के महाकाल लोक की बात हो, चाहे राम पथ गमन की बात हो, या फिर ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित करने की बात हो, या हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए, मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश की संस्कृति की रक्षा के लिए हर स्तर पर काम किया है। 1 नवंबर 1956 को जन्मे मध्य प्रदेश की आयु 66 साल की हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश वैसे ही युवा और जोश से भरा हुआ विकसित प्रदेश नजर आता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश का हर बाशिंदा यही कहता है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय अपना मध्य प्रदेश है। भोपाल से सूरज शर्मा की रिपोर्ट।